हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट अर्चना विश्वकर्मा होप यू ऑल आर गुड नॉइस मी साइनिंग है चलिए पैडागॉजी सीरीज में हम 2021 का पेपर डिस्कशन कर रहे थे 2021 और पैडोगॉजी की सीरीज में आज का जो पैडोगॉजी है पैडागॉजी ऑफ मैथेमेटिक्स मैथड मैथेमेटिक्स आंसर एनी फोर क्वेश्चन आपको चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं चलिए पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मेक आउट लॉजिकल डिस्कशन अबाउट नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथेमेटिक्स टीचिंग इन इंडियन स्कूल भारतीय विद्यालयों में गणित शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग डिस्कस इट्स मैरिट एंड डीमेरिट गणित शिक्षण में आगमन और निगमन विधि का वर्णन कीजिए इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए नंबर थ्री यू अंडरस्टैंड बाई को करिकुलर एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स टीचिंग हाउ डू दे ऑर्गेनाइज मूव ऑन द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो गणित शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है इसका संगठन कैसे किया जा सकता है नंबर फोर डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान वट आर द स्पेशलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ लेसन प्लान यहाँ पे आपको जो लेसन प्लान बनाते हैं पढ़ाने के लिए जिसको हम पाठ योजना बोलते हैं उसके स्टेप्स को लिखना है जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम पाठ का सामान्य उद्देश्य लिखते हैं इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं तो जो भी उसका प्रोसीजर है आपको पूरा कम्प्लीट करना है आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो आपको आइडिया होगा नाउ पाठ योजना के महत्वपूर्ण पद का वर्णन कीजिए पाठ योजना की विशेषता एवं दोष क्या है नंबर फाइव वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैथ्स टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब इट गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए वर्णन कीजिए नंबर सिक्स ठीक है और बेटर होगा कि आप नंबर सिक्स वाला को क्वेश्चन जरूर अटेम्प करें क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं द लॉन्ग क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी है नंबर ए है मॉडल्स जिसको हम प्रतिमान बोलते हैं नंबर बी डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर और सी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई वेल्युएशन मूल्यांकन के उद्देश्य नंबर डी डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब की प्ले में मिल जाएगा डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा आप देख सकते हैं आपको हेल्प करेगा ये वीडियो नाउ अभी हमने जो पैडागोजी पेपर डिस्कस किया वो मैथेमेटिक्स का था और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल और नीडफुल रिक्वयर्डफुल है तो डो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा होप यूल आर गुड नाउ साइनिंग ऑफ